ताजमहल का मेन गेट है, यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ताजमहल से, क्योंकि ताजमहल ही सबसे बड़ा अजूबा है यहाँ पे, और उसके बाद अपन बारी बारी और जगहों का भी करेंगे विजिट। देखिए ये ताजमहल का विजिट वाला गेट है, यहीं से हम अंदर जाएंगे। काफ़ी बड़ा बनाया गया है ये ताजमहल, और यहीं पे पास में ये देखिए आप एयर स्पेस नासा की पूरी चीज़ें बताई गई, काफ़ी बड़ी जगह में बनाए गए हैं। ये प्रवेश द्वार है, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपन आगरा के ताजमहल में जब जाते हैं एंट्री करते हैं, वो ताजमहल जैसा दिखता है वैसे ही यहाँ से भी ताजमहल दिखता है। देखिए आप बिल्कुल हूबहू ताजमहल ही है, पर ये भोपाल का ताजमहल। दोस्तों पीपल्स मॉल जो है भोपाल में करोल क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ पे भोपाल बस स्टैंड से ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है, और यहाँ का जो किराया है टिकट है वो 60 रुपये है, और आप यहाँ पे जो भी टाइम है 10 बजे से तो शाम के 5-6 बजे तक, वैसे तो 7 बजे तक आप आ सकते हैं। चलिए और जगह पे मैं घुमाता हूँ आपको। ये मेन गेट है जहाँ पे हम ताजमहल के लिए एंट्री करते हैं, बहुत से विजिटर्स यहाँ पे आते हैं। ये देखिए आप, ये एक चर्च का मॉडल भी है यहाँ पे, और चाइना वॉल भी बनी हुई है चारों तरफ से। बारी बारी मैं सभी जगह विजिट करवाऊंगा आपको। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। ये देखिए ये जो स्विमिंग पूल या जो भी कहें पॉन्ड तालाब क्या बनाए हैं, काफ़ी खूबसूरत बनाए गए। उर्दू ज़बान में अगर कहें तो ये हौज़ है, जो कि ताजमहल में भी उसके फ्रंट पे बनाया गया है। मुगलिया काल में इस तरह के हौज सभी महलों में सामने बनाए जाते थे, ये उनका स्ट्रक्चर है। देखिए दोस्तों ये पीछे वाले रास्ते से हम आ रहे हैं, ये पीछे ताजमहल का इंट्रेंस गेट है, और ये अब ताजमहल भी काफ़ी करीब आ गया है। ये देखिए मेरे जस्ट पीछे ये ताजमहल बिल्कुल करीब आ गए हैं हम ताजमहल के, और जब ताजमहल के अंदर पहुंच जाएंगे तब वहाँ का भी मैं आपको विजिट कराता हूँ। ये हमारे भोपाल का ताजमहल है, जो कि शाहजहाँ ने नहीं बल्कि पीपल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक जो हैं उन्होंने बनवाया है, तो काफ़ी खूबसूरत बनवाया है। दोस्तों ताजमहल इस तरह से बना हुआ है कि चारों तरफ से देखो तो एक जैसा ही दिखाई देता है, आप किसी भी तरफ से देखेंगे ताजमहल बिल्कुल जैसा एक तरफ से दिखाई देता है उसी तरह से चारों तरफ से दिखाई देता है। देखिए आप, चलिए अब ताजमहल के अंदर चलते हैं, यहाँ पे गेट भी है, अंदर जाने का गेट है, इसके ज़रिए हम अंदर चलते हैं ऊपर। ये सीढ़ियाँ दी हुई हैं, देखिए दोस्तों ये भी वाइट मार्बल से ही बना है, ये ताजमहल भी ये वाइट मार्बल है। a
काफी खूबसूरत ताजमहल है। अब हम ताजमहल के ऊपर आ गए और यहाँ से जो विजिट किए थे वो दिखाई दे रहा है, वो ये हॉल भी काफी खूबसूरत है। देखिए दोस्तों, ये ताजमहल के अंदर आ गए हैं हम और ताजमहल में इसके अंदर जो वो मुमताज बेगम है उनकी कब्र है, इसके अंदर नहीं है। उसके अंदर जो ओरिजिनल ताजमहल है उसमें मुमताज बेगम जो थी उनकी कब्र है। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ। ये अपन चारों तरफ राउंड मार लेते हैं ताजमहल का, बहुत ही खूबसूरत इमारत है और उसी का ये मॉडल है। भोपाल का रोज में पीपल्स मॉल में मैं आया हूँ। यहाँ पे तरह तरह के मॉडल्स बनाए गए हैं, सात अजूबे तो हैं ही, इसके अलावा भी और भी मॉडल्स यहाँ पे बनाए गए। दोस्तों यहाँ पे बहुत से विजिटर्स आते हैं, उनमें से कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखे, चलिए अपन उनसे बात करते हैं। सर यहाँ पे हमने जैसे देखा तो हमको अच्छा लगा, जैसे कभी कभी आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश पाटीदार है। कहाँ से आए सर आप? हम उज्जैन से आए। सर उज्जैन से आए, भोपाल में पीपल्स मॉल में आप आए तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने को, जगह बहुत सही है। क्या क्या चीज़ें बता दी हमारे जो व्यूअर्स हैं? सर जैसे कि आगरा का ताजमहल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है और लोटस टेम्पल सॉरी, और एक ये ताज होटल है, बहुत सारी चीज़ें देखने को। रेड फोर्ट भी है सर। लोगों को क्या कहना चाहते हैं, वो भोपाल में आए तो यहाँ आए कि नहीं आए? यस सर बिल्कुल आना ही चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था भी है देखने के लायक और घूमने के लिए भी अच्छी जगह है। कैसा लगा हमारा भोपाल आपको? सर बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। आठ रुपये है सर ये। आप लोग स्टूडेंट या जॉब करते हैं? स्टूडेंट ही। चलिए थैंक यू, और भी लोगों को बोलिए अभी इस पे कि हमारे भोपाल आए और यहाँ पे विजिट करें। ओके थैंक यू।